नमस्कार। कल रात हमने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को बिन मांगी सलाह दी थी कुछ, आज हम राहुल गांधी को कुछ बिन मांगी सलाह देना चाह रहे हैं। आज दिन भर जो कुछ हुआ उसे बहुत सी बातें जहन में निकलकर सामने आई। हम सलाह देंगे लेकिन क्या ये राहुल गांधी के लिए मुमकिन है कि वो उन्हें मान पाए? उनके कंधों पर एक ऐसी पार्टी का बोझ कहें या जिम्मेदारी कहें जो सन 1885 में बनी थी, और आप हिसाब लगाइए 133 साल पुरानी पार्टी है। बड़े बड़े दिग्गज इसके नेता रहे हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग इससे जुड़े रहे हैं। हालांकि कभी भी महात्मा गांधी ने ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं ली थी, चवन्नी की मेंबरशिप होती थी, चवन्नी वाली भी नहीं ली थी, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव हमेशा रहा था। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े तमीज के पढ़े लिखे नेता पूरे भारत से कांग्रेस से जुड़े हैं। पंडित नेहरू के वक्त तक, यानी आजादी के बाद से लेकर पंडित नेहरू के वक्त तक, जो कुछ भी देश में निर्माण हुआ हम अभी भी उसका फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे दूसरे इदारे हो, स्पेस हो, चाहे और भी हो, साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की जितनी भी हमने करी, IITs हो हमारी, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हों, ये सब उस दौर की देन है। श्रीमती गांधी के बाद से जब इमरजेंसी लगी उस दौरान संजय गांधी के साथ, मरहूम संजय गांधी के साथ जो नेता लोग आए वो तब से लेकर अब तक 2014 तक सत्ता पर काबिज रहे। बीच बीच में जब और कोई सरकारें आई, जैसे जनता पार्टी की सरकार आई या चंद्रशेखर की आई या वीपी सिंह की आई, देवे गौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकारों को छोड़ दें तो इन नेताओं ने, कांग्रेस के इन नेताओं ने जो संजय गांधी के साथ आए थे, कोई संघर्ष नहीं झेला है, सिर्फ राज किया है। हम कुछ ऐसी बातें राहुल गांधी को सलाह देना चाहते हैं जो हमें मालूम है कि उनके लिए लगभग नामुमकिन होगी करनी, लेकिन अगर कांग्रेस को आगे चलना है तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे आज दिन भर दिखा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसको लेकर मीटिंग्स होती रही। मीटिंग्स कहां होती रही? दिल्ली में होती रही, जयपुर या भोपाल में नहीं। तो राहुल साहब, एक सलाह आपके लिए तो ये है कि इस तरह का जो कल्चर है कि अगर फैसला श्रीमती सोनिया गांधी ने ही करना है और आपने ही करना है, तो फिर विधायक किस लिए चुने गए हैं? विधायक अपना नेता क्यों नहीं चुनते? कि आप इस हालत में हैं कि विधायकों को वो आजादी दे पाए कि वो अपने आप चुने कि राजस्थान में अशोक गहलोत होंगे या सचिन पायलट, और मध्य प्रदेश में विधायक चुने कि कमलनाथ होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी पूरी तरह से काबू में नहीं है, पार्टी आपके हाथ में नहीं है। तो पहली सलाह तो हमारी ये थी। दूसरी सलाह हमारी ये है, अगर आप फिगर्स को देखें जो कल नतीजे आए चुनाव के, मध्य प्रदेश में आपको मिली है 114 सीटें, बीजेपी को मिली है 109 सीटें, यानी सिर्फ 5 सीटों का फर्क है। वोट शेयर भी देखें तो आपका वोट शेयर कम है बीजेपी से, 40.9% है, बीजेपी का 41% है। कहने का मतलब यह कि अगर 15 साल राज करने के बाद भी बीजेपी आपको इतनी तगड़ी टक्कर दे सकती है मध्य प्रदेश में, तो उसमें ढोल बजाकर नाचने और खुश होने की कोई बात नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं से कह सकते हैं, नेताओं से कह सकते हैं कि वो शालीनता से रहें और सोचें कि इतना कम मार्जिन क्यों है। क्या आप कह पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले भी हम कह चुके हैं, यहां तो जीत जो मानी जाती है, चाहे वो 0.1% से, चाहे वो सिर्फ 5 सीटों से हो, उसको भी जीत माना जाता है। जो जीता वही सिकंदर। जैसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को लीजिए, 31% वोट पड़े थे सिर्फ, लेकिन सीटें 282 आई थी। यहां पर भी आपके साथ ऐसा ही हुआ, 40.9% वोट, सीटें 114, बीजेपी को 41% वोट और सीटें 109। बहुत तगड़ी टक्कर दी है शिवराज सिंह चौहान ने आपको, वो भी बावजूद इसके कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है काम ही नहीं किया शायद, या बहुत कम काम किया। राजस्थान में अगर आप देखें, वहां पर भी लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, आपके लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, वही पुराना कल्चर जो होता है ना चाटुकारों का, दरबारियों का, वही कल्चर दिक्कत सामने आ रहा है। क्या आप उसे खत्म कर सकते हैं? राजस्थान में आप देखें,
बीजेपी को 73 सीटें मिली हैं, आपको 99 सीटें मिली हैं, यानी 26 सीटों का फर्क है, सिर्फ 26 सीटों का। बीजेपी को 38.8% वोट मिले, आपको 39.3% वोट मिले हैं। यहां पर भी मार्जिन बहुत कम है, चाहे वोट शेयर हो चाहे सीट शेयर हो। तो इन दोनों जगह पर जीत को आपके लोग ऐसे मना रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। ये बहुत बड़ी जीत नहीं है। क्या आप अपनी पार्टी में ये संदेश दे सकते हैं अपने राज्यों के नेताओं को कि ये सब ऊट पटांग हरकतें जो होती हैं, पटाखे छुड़ाना, डांस करना वगैरह, ये ना करें? आप ऐसा नहीं कर सकते। जो छत्तीसगढ़ में हुआ उसकी राजस्थान में होने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ छत्तीसगढ़ में। बहरहाल, एक तो ये सलाह थी। दूसरा ये है कि बहुत जरूरी है इस वक्त कि जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया जो इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के साथ आए थे, उनमें गुलाम नबी आजाद शामिल हैं, आनंद शर्मा शामिल हैं, और भी बहुत से नेता शामिल हैं, कमलनाथ भी उसी पौध के हैं, अशोक गहलोत भी उसी पौध के हैं, एक मार्गदर्शक मंडल बना दीजिए। वैसा नहीं, नकली नहीं, जैसा बीजेपी वालों ने बना रखा है, एडवाणी और ये क्या कहते हैं मुरली मनोहर जोशी वगैरह को बाहर रखने के लिए, लेकिन एक असली मार्गदर्शक मंडल, क्योंकि इन लोगों को वाकई तजुर्बा है जो संजय गांधी के साथ आए हैं जो नेता, इनका इनका तजुर्बा, इनके तजुर्बे का इस्तेमाल कीजिए और जो आपकी टीम है उसको आगे लाइए, क्योंकि सरकारें भी और कांग्रेस भी उन्हीं लोगों को चलानी है जब जब जहां जहां बनेंगी। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आज दिखा तो नहीं है ऐसा। कुछ सलाह है ये, अगर आपको ठीक लगे तो सोचिए जरा इस पर, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। और आखिरी बात, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी, आखिरी बात यही है कि जो दरबार कल्चर रहा है कांग्रेस में उसको खत्म कीजिए, इंटरनल डेमोक्रेसी लाइए। परिवारवाद की शुरुआत आप ही की पार्टी से शुरू हुई है और आप ही अगर चाहें तो एक उदाहरण बना सकते हैं, बता सकते हैं, मिसाल कायम कर सकते हैं कि किस तरह पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। वाकई विधायक चुनते हैं उनका मुख्यमंत्री कौन हो। सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर नहीं जाती इस चुनने के लिए कि कमलनाथ हों या सचिन पायलट हों या सिंधिया हों या अशोक गहलोत हों। तो परिवारवाद को खत्म कीजिए। आपने जैसे कार्यकर्ताओं से पूछा, 7.5 लाख के करीब आपको रिस्पांस भी आए, ठीक है, लेकिन फैसला तो आप लोग ही कर रहे हैं, आप और सोनिया गांधी। परिवारवाद को खत्म करने की शुरुआत आप ही कीजिए। क्या कर सकते हैं आप? मुझे नहीं लगता। सन 2019 के चुनाव में सिर्फ 3.5 महीने रह गए हैं। प्रधान सेवक क्या कर सकते हैं, उनकी पार्टी क्या कर सकती है? मतलब तीन राज्य तो हाथ से फिसल गए, वक्त भी फिसल गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर मास इलेक्टोरल ब्राइबरी, मतलब जनता को कुछ ऐसा दिया जाएगा हमारे पैसे से, ठीक है, उसमें से एक कहा जा रहा है कि किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का एक अनुमान सामने आया है, सोर्सेस सामने आए हैं हफ पोस्ट के मुताबिक। जो मैं आपको फिगर्स बताता हूं, पुरुषोत्तम रूपाला जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, उन्होंने लिखा है कि जो टोटल, उन्होंने कहा था कि जो किसानों के कर्जे हैं टोटल 30 सितंबर 2016 तक वो थे 12,60,026,450 करोड़, यानी 12,60,00,000 आप मान लीजिए। और उसके अलावा ये जो 1,45,000 करोड़ जो ग्रामीण बैंक हैं इलाकाई राज्यों में उनके हैं, ये कर्जे उनके बाकी हैं, उनको देने हैं किसानों ने। 1,57,00,000 करोड़ जो है वो कोऑपरेटिव बैंक है, 9,57,000 करोड़ कमर्शियल बैंक्स को देने हैं, कुल मिलाकर 12,60,000 करोड़ है। सुना है 4 लाख करोड़ माफ किया जाएगा हफ पोस्ट के मुताबिक। ये मास इलेक्टोरल ब्राइबरी है, क्योंकि कर्जे माफ करने से खेती की हालत नहीं सुधरेगी। खेती की हालत तभी सुधरेगी जब आप खेती को मॉडर्नाइज करेंगे, उसका आधुनिकीकरण करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, जो क्रॉपिंग के पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह से खेती होती है पारंपरिक तरीके से उसको बदलेंगे। खेती को हमेशा से सहायता की जरूरत पड़ती रही है, कोल्ड चेन्स बनाएंगे, फूड एक्सपोर्ट करेंगे,
तब जाकर खेती की हालत सुधरेगी, सिर्फ ये कर्जे माफ करने से नहीं सुधरेगी। किसान वाकई दुखी हैं इस वक्त। दूसरा, जो पैसा मांगा जा रहा है रिजर्व बैंक से, 370,000 करोड़ का एक फिगर सामने आ रहा है, उसमें MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको पैसा देने की बात है, जो आपने खुद ही बिठाए हैं डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके, अब उनको पैसा दिया जाएगा, बैंक उनको कर्जे देंगे, हमारा पैसा। इस वक्त 3.5 महीने रह गए हैं सिर्फ, आप प्रधान सेवक साहब मास इलेक्टोरल ब्राइबरी के अलावा, बहुत बड़े पैमाने पर वोटरों को रिश्वत के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, या फिर दूसरा रास्ता राम मंदिर दंगे खून खराबा, वो है आपके सामने। आखिर में हमारे एक दर्शक ने हमें एक कविता भेजी है, आज ही भेजी है, हमारा कार्यक्रम बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, चुनाव के दिन तो हम 1 करोड़ से भी ज्यादा थे और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। कवि हैं आतीक अंजर, दोहा कतर से। इन्होंने जब हमने बात करी थी कि वोटर को भी काबिल होना पड़ेगा, प्रजा नहीं है अब आप, गुलाम भी नहीं है, नागरिक है, नागरिक होने के लिए काबिल होना जरूरी है। इनकी कविता का नाम है मर गए के जिंदा हो। रात चाहे जितनी भी बेहया हो, काली हो, आस के सितारों से आसमान खाली हो, सुबह की हिकायत पर बेशुमार गाली हो और घुप अंधेरे से सब पे खौफ तारी हो, आजकल के माहौल की बात है, फिर भी रात जाएगी, फिर भी सुबह आएगी, चाहे जैसा पतझड़ हो, जितना तेज झक्खड़ हो, बिजलियों का कड़का हो, आशियां के जलने का सुबह शाम धड़का हो, बागबा निगोड़ा हो, जो माली है वो निगोड़ा हो, निकम्मा हो, बागबा निगोड़ा हो, बाग छोड़ अपना दर बदर भटकता हो, पेड़ पौधे जलते हो, वो मन की बात करता हो, और नीरो के जैसा बांसुरी बजाता हो, फिर भी कोंपले ताजा, शाख शाख फूटेंगी, फिर बहार आएगी, बांज रुत ये जाएगी, लेकिन ये गुलिस्तां के जानिसा परवानो, अब आपसे बात हो रही है, लेकिन ये गुलिस्तां के जानिसा परवानो, रोशनी के दीवानों, सुबह 9 के आने में आपका क्या हिस्सा है, सुबह 9 के आने में, नई सुबह के आने में आपका क्या हिस्सा हो, आप भी तो मुंह खोलें, मर गए के जिंदा हैं, आप भी तो कुछ बोलें। इसी संदेश के साथ अतीक अंजर का संदेश है ये आप सबके लिए, दोहा कतर से, आपसे इजाजत लेते हैं, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।